हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज संडे है तो अभी हम थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे, नहा धो लेंगे, तैयार हो जाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे इंडिया गेट के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं यार क्या होता है। अभी काफ़ी दिनों बाद तो इंडिया गेट खुला है, अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मैं रेडी हो गया हूँ और बिल्कुल अब निकलने ही जा रहा हूँ, तो चलो शुरू करते हैं अपना यह सफ़र। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, काफ़ी दिनों बाद ये ओपन हुआ है। लेकिन यहाँ के पता चलता है कि आगे से भी एंट्री नहीं हो रही है, तो हमें नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ से जाना होगा, जो कि 3 नंबर गेट पे है। तो हम उधर से एंट्री मारेंगे, क्योंकि अभी यहाँ ये बंद है और अभी कोई आइडिया नहीं है कि ये कब खुलेगा या नहीं खुलेगा। अभी ये 3 नंबर गेट बता रहे हैं वहाँ से एंट्री हो रही है, तो हम जा रहे हैं 3 नंबर गेट, वहाँ से एंट्री लेंगे, अंदर का नज़ारा देखेंगे। बाहर अभी तो काफ़ी भीड़ दिख रही है, बाकी इस साइड आपको राष्ट्रपति भवन वगैरह दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो सामने राष्ट्रपति भवन दिख रहा है, वहाँ कभी बाद में जाएंगे। तो गाइस ये बहुत पुराने ज़माने की ट्रेन खड़ी है, इंजन ये रेलवे भवन के सामने है, अगर आप देख पा रहे हो तो। फायर पान। तो चलते चलते रास्ते में ही हमें कुछ स्केच आर्टिस्ट मिल गए, जो मतलब काफ़ी सेलिब्रिटी लोगों के स्केच बना के रखते हैं, आप इनसे अपना स्केच भी बनवा सकते हैं, जो गेट के पास मिला। बीस करोड़ वैक्सीनेशन यहाँ पे हो रहा है, सिक्योरिटी चेक और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, भीड़ बहुत है। इंडिया गेट पास से और अच्छा लगता है। ये है वार मेमोरियल का चिन्ह बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सामने हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो परेड मार्च करते हुए आ रहे हैं। आई थिंक अंदर कोई प्रोग्राम ज़रूर होगा इनसे रिलेटेड, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। ये है पूरा नेशनल वॉर मेमोरियल, यहाँ पे तक के सारे शहीद लोगों, जितने भी जवान थे सेना के हमारे शहीद, उन सब के नाम लिखे हुए हैं, उनके रेजिमेंट और उनके जो भी पोजीशंस थे, आप देख सकते हैं चारों तरफ से इस पर। और यार यहाँ पे आने पे एक इमोशनल मोमेंट हो जाता है, अगर आप के घर से कोई सेना में शहीद हुआ है तो। शाम होने पर जब लाइट वगैरह जलेगी तो ये और अच्छा और खूबसूरत लगता है भाई। आगे कुछ फंक्शन हो रहा है, वो हम भी देखेंगे आगे जाके। यहाँ पे इंडिया का फ्लैग, इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडिया और इंडियन नेवी, ये 4 फ्लैग आपको दिख जाएंगे। तो जो अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पे लगा हुआ था, उसे अब यहाँ पे लगा दिया गया है, वहाँ से उठा करके। और ख़ास बात यह है कि ये ज्योति हमेशा जलती रहती है, चाहे कोई भी मौसम हो, ठंडी हो, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, आंधी चलने पर भी ये जलती रहती है। तो इस सेरेमनी को देखने के लिए काफ़ी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा हो गई है, और आप देख सकते हैं कि परेड मार्च ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हो गया है, काफ़ी पब्लिक है, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं भीड़ को।
सब अपने फ़ोन के साथ खड़े हुए वीडियो बनाते हुए। तो सेरेमनी दोस्तों ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे एक आर्मी फैमिली को बुलाया गया था और यहाँ पे मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए। तो शाम हो चुकी है और लाइट जल चुकी है, आप देख सक पा रहे होंगे, और अलग अलग तरह की लाइटें जल रही हैं। थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है, काफ़ी यूनिक सा कॉन्सेप्ट है और ये कलर बदल रहे हैं आपस में, इसीलिए हम थोड़ा लेट करके शाम को आए थे जिससे कि ये वाला नज़ारा आप लोगों को दिखा पाऊँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम मेट्रो स्टेशन पहुँचे ही थे तो हमने देखा यहाँ कुछ बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं, तो हमने सोचा ये भी आपको दिखाई दिया जाए। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।